नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके अपना YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पटना की आज की यात्रा पे, और साथ ही वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे RJD का बिहार विधानसभा में का जो उपचुनाव हुआ था उसमें प्रदर्शन के बारे में। साथ ही वीडियो के हिस्से में होगा जानी मानी मुखिया रितु जायसवाल को कौन सा सम्मान दिया गया है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बारीक कला और राजनीतिक संकट झेल रही RJD के लिए अच्छी खबर है। RJD को जो उप चुनाव हुए थे उसमें काफी बेहतरीन फायदा हुआ है, और कभी दो सीटों पे उनके जो विधायक है वो चुन के आया है। तो कौन कौन से दो सीटें हैं ये भी आप जान लीजिए। बेलहर विधानसभा सीट से रामदेव यादव को शानदार कामयाबी मिली है। साथ ही RJD को जो दूसरी सीट पे कामयाबी मिली है वो है सिमरी बख्तियारपुर। इसके अलावे JDU जो है उनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा, फिर भी उन्होंने अपनी इज्जत बचाते हुए नाथनगर से JDU के लक्ष्मीकांत है उन्होंने वापसी की। वहीं अगर हम बात करें एक सरप्राइज न्यूज का, तो वो था AIM जो कि ओवैसी की पार्टी है, उनकी पार्टी किशनगंज से कमरुल होद्दा को कामयाबी मिली है। साथ ही दरौंदा से निर्दलीय विधायक चुन के आए व्यास सिंह, जो कि सबको चौंकाया है। इसके अलावा ये तो थे पांच विधानसभा की बातें। अब एक जो लोकसभा सीट पे उपचुनाव हुआ था वहां से प्रिंस राज जीते हैं, वो सीट था समस्तीपुर का, तो वहां से अशोक राम को हरा के प्रिंस राज ने अपनी सीट की वापसी की है। प्रिंस राज जो की रामचंद्र पासवान के लड़के थे, उनका हाल ही में निधन हो गया था, उनके वजह से ये सीट खाली हो गया था। तो अब खबर जान लेते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा। महामहिम रामनाथ कोविंद आज पटना की यात्रा पे आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज राजगीर विश्व शांति सप्ताह के 50वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पे रामनाथ कोविंद आज पटना आएंगे। 10:30 बजे वो पटना एयरपोर्ट पे उतरेंगे, इसके बाद वहां से वो राजगीर के लिए प्रस्थान करेंगे। खास बात यहाँ ये है कि यहाँ पे करीब 50 देशों से 300 से अधिक मेहमान आए हुए हैं, और एक और खास बात यह है कि यहाँ पे करीब 8 देशों के 40 बौद्ध भिक्षु जो है पैदल यात्रा करते आए हैं यहाँ। तो और ये उन्हीं मार्गों से यात्रा करके आए हैं जिन मार्गों से यात्रा करके भगवान बुद्ध राजगीर ज्ञान प्राप्ति के लिए आए थे। नेपाल के कुंडनबन ग्राम में हुआ था और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति राजगीर जो की पहले राजगिरी के नाम से जाना जाता था। अब बात कर लेते हैं जानी माने मुखिया रितु जायसवाल यादव को मिले सम्मान के बारे में। जी हाँ, रितु जायसवाल को दीनदयाल सशक्तिकरण पंचायत पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उनको नेशनल एग्रीकल्चर एंड साइंस कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मिला है। यह कार्यक्रम उनको ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भेंट किया है। तो ये था वीडियो में आज के लिए, तो मिलते हैं।